उज्जैन शहर से बाहर कालिया देव महल और जमीन सिंधिया परिवार की है। कालिया देव महल घूमने के लिए देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। साथ ही कालिया देव महल से रोड निकला हुआ है, आने जाने के लिए इस रोड से किसान और स्थानीय ग्रामीण आना जाना करते हैं। आगर रोड, उनहेल रोड और अन्य जगहों को आना जाना करते हैं, पर इस समय रोड बंद हो जाने की वजह से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और घूमकर करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। साथ ही वही स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने भी हमारी निजी जमीन में से जमीन छोड़कर शासकीय रोड बनाने के दौरान मदद की थी ताकि लोग यहाँ से आना जाना कर सके, रास्ता बन सके। अब रोड बना हुआ है और लोग आना जाना कर रहे हैं, पर कालिया देव महल पर रोड बंद करना बेहद गलत है। रोड चालू होना चाहिए ताकि लोगों को परेशान न होना पड़े और आने जाना कर सके। साथ ही में अगर रोड बंद रहेगा तो विवाद होने जैसी स्थितियां भी निर्मित होगी। मेहतपुर से आए हुए थे। मेहतपुर से आए हुए थे, अब रास्ता बंद रहा तो किस प्रकार से परेशान हुए, क्या हुआ? ये देख लो ना, जर्किन ने तोक के ला रहा है उधर से। अच्छा, गेट बंद है, क्या करे उसका? मुझे लगा रास्ता खुला हुआ था तो परेशान नहीं होते। कोई परेशानी नहीं, गाड़ी जा रहे थे बाइक से। अब आपको घूम के जाना पड़ेगा? घूम के जाना पड़ेगा, पैदल जा रहे हैं हम तो। फिर भी महल पे तो आने का रास्ता बंद ही हो जाएगा। श्रद्धालु, जुर्माखेड़ी, ये सभी गांव के लोग यहां से होकर उज्जैन के लिए बस शॉर्ट कट रास्ता है। ये बरसों से है ये रास्ता, मगर सिंधिया जी इनका पूरा निर्माण, इनने आस पास दीवारें बनवा दी है और ये मेन निजू रास्ता है ये भी बंद करवा रहे हैं वो, क्योंकि आज यहाँ से लोगों को आसानी से उज्जैन जाने में 5 मिनट में आदमी उज्जैन पहुंच जाता है, दूसरी तरफ से जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा उसको। तो काले देव महल के लिए जो रास्ता आ रहा है वहां पर आने के लिए अन्य किसानों ने भी रास्ता छोड़ रखा है, वह लोगों ने रास्ता बंद नहीं किया, और वो लोग बंद कर देंगे तो फिर काले देव महल लोग भी नहीं आ सकते हैं। जब आम किसान मजदूर हैं उनने रास्ता छोड़ा, आस्था जुड़ी हुई है कालिया देव महल से, वहाँ पे एक अच्छा लोग आके वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो फिर तो रास्ता चालू करना चाहिए, हमारे बाप दादा मर गए इसी गांव में और इसी रोड पे निकलते रोड से निकलते निकलते और अभी उनका आदेश आ गया है कि भैया ये रास्ता। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।